संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा का बड़ा ऐलान, प्लाज्मा थेरेपी में प्राइवेट हॉस्पिटल अब 11,000 रुपए से अधिक की राशि नहीं ले सकेंगे। पहले 15,000 से 25,000 रुपए तक किए जाते थे चार्ज। मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के निर्देश पर आज कमिश्नर ने रेसिडेंसी कोठी में बुलाई थी प्राइवेट हॉस्पिटल की बैठक। सभी से चर्चा उपरांत किया दर का निर्धारण। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा एक कारगर दवाई मान सकते हैं, इंटरवेंशन होता है। अभी ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी और बातें भी प्राप्त हो रही थी कि अलग अलग अस्पताल अलग अलग दृष्टि से अलग अलग रेट चार्ज कर रहे हैं। कोई 25,000 चार्ज कर रहा है और कोई 15,000 चार्ज कर रहा है। इसलिए आज माननीय मंत्री जी के भी निर्देश से तो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कलेक्टर सबको बुला के उनके साथ चर्चा की गई कि सहमति से एक रेट तय किया जाए। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने एग्री किया है कि ये 11,000 रुपये के रेट पर अब प्लाज्मा उपलब्ध होगा, तो इससे मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। सरकारी जो अभी प्लाज्मा का रेट है हम 9,500 रुपये में देते हैं, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वाला लेता है, और सरकारी हमारे जो हॉस्पिटल्स है उसमें हम फ्री में करते हैं। इसको भी हम कोशिश करेंगे, अभी आज शाम तक निर्णय लेके इसको भी हम कम कर देंगे। तो सरकारी से प्राइवेट में जाने वाला रेट हम कम करेंगे, शाम तक आपको उसकी सूचना दे देंगे, और प्राइवेट में 11,000 रेट हो जाएगा। तो जो लोगों को 25,000 लगता था उसके जगह 11,000 में इसमें।